बहराइच से इस वक्त हमारे पास, वहां पर भेड़िए ने फिर से हमला किया है। घर की छत पर सो रहे लड़के पर अटैक किया है भेड़िए ने। भेड़िए के हमले में 13 साल का लड़का जख्मी हो गया है। मैसी के पिपरी मोहन गांव में भेड़िए ने हमला किया है 13 साल के लड़के पर। घर की छत पर यह लड़का सो रहा था, उम्र 13 वर्ष, घायल हो गया है भेड़िए के हमले में यह लड़का। मैसी के पिपरी मोहन गांव में भेड़िए ने यह हमला किया है। बहराइच का यह गांव, अपने घर की छत पर सो रहा था 13 वर्ष का यह लड़का और रात को उस पर हमला किया भेड़िए ने, जख्मी कर दिया इस लड़के को। बहराइच से यह बड़ी खबर। अखिलेश वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी फिलहाल इस लड़के की क्या स्थिति है अखिलेश? मैं बता दूं, ये अरमान अली 13 साल का है सर। ये इस पे रात में हमला हो गया था और ये अभी जो है इसका इलाज बेटल कॉलेज बहराइच में चल रहा है। परिजनों ने जो घटनाक्रम बताया है वो ये लड़का अपने परिजनों के साथ में छत पे सो रहा था और बताया जा रहा है कि सीढ़ियों से भेड़िया चढ़ा है, उसके बाद उसको घायल किया है। जैसे इसने चिल्लाया वैसे ही भेड़िया भागा है। परिजनों ने आनंद फानन में इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मासी में भर्ती कराया, जहां इसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया है। बीते 200 दिनों से लगातार महासे में भेड़िए का हमला जारी है। कल मुख्यमंत्री भी आए थे महासे में, सुसैया चूड़ामणी गए थे, जो भेड़िए से प्रभावित जो लोग हैं और जो परिजन थे उनसे मुलाकात की है और बताया था कि अधिकारी लगातार यहां कैंप करेंगे जब तक इस भेड़िए का आतंक खत्म नहीं होता है। लेकिन तमाम बावजूद के बाद भी ये भेड़िए का आतंक जारी है और वन विभाग इसे पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। शुक्रिया आपका अखिलेश। ABP News, आपको रखे आगे।